इतिहास के पन्नों में दिनांक 30 मार्च 30 मार्च सन 1856 में समाज सुधारक स्वामी श्रद्धानंद इनका जन्म हुआ। सन 1852 में बंडखोर उपद्रवी रामू नाइक पर कार्रवाई करने ब्रिगेड स्थापना करने का पत्र अचलपुर के मैकेंजी ने हैदराबाद रेजिडेंसी को पत्र लिखा। सन 1926 में अमरावती का भारत, नवभारत और वसंत टॉकीज नाम से प्रख्यात टॉकीज मन्नालाल शिवनारायण ने खरीदा। सन 1981 में लेखक पत्रकार विलियम वालेस इनका निधन हुआ। सन 2002 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द मदर क्वीन इनका निधन हुआ। उम्र थी 101 साल। सन 2002 में गीतकार आनंद बख्शी इनका निधन हुआ। सन 1908 में अभिनेत्री देविका रानी इनका जन्म हुआ। और आज राजस्थान दिन है। सन 1993 में चित्रकार एसएम पंडित इनका निधन हुआ। सन 1665 में मुरारबाजी इनका निधन हुआ। सन 1942 में प्रख्यात साहित्यकार वसंत आबाडी डाके इनका जन्म है। सन 1948 में सवाई मानसिंह ने राजप्रमुख की शपथ सरदार पटेल समक्ष ली। सन 1945 में वामनराव दादा का फोटो अमरावती नगरपालिका में लगाया गया। सन 1951 में रेडियो सिलोन इसकी शुरुआत की गई। आज रेडियो सिलोन 71 साल का हुआ है। सन 1930 में क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा इनका निधन हुआ। सन 1992 में सत्यजीत रे को ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1919 में महात्मा गांधी ने रॉयल एक्ट की खिलाफत की। सन 1949 में राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई। सन 1945 में मुंबई के मराठा मंदिर संस्था गंगाराम गोविंदराव गावंडे इन्हें की। सन 1921 में बलगांव में वामनराव जोशी को 15,000 लोगों की उपस्थिति में जाहिर सभा में वीर की पदवी प्रदान की गई।